वो है इस साइड से लेकर गाइस इस साइड से, पहले ये पूरी थी इस साइड पे। तो अब जो है गाइस, क्योंकि हमारा जो है बिल पहले 3000 तक आता था, अब जो है अक्सर जो है घर में जो है सोलर लग चुके हैं। गाइस मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे जो है ये सारे सोलर लगे हुए हैं, ये देखें। अब देखें अमीर लोग भी जो हैं सोलर लगा रहे हैं, आखिर इतनी महंगाई में जो है बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं तो उन्होंने भी सोलर लगवा दिया। ये तो पहले के लगे हुए थे ये वाले गाइस, ये पहले का सोलर लगा हुआ था, ये भी पहले का लगा हुआ था। तो इधर जो है ये सामने नज़र आ रहा है कवे परिंदे बैठे हुए हैं, ये भी लगा है। तो गाइस ये नीचे जो है भाई लोग हैं, यहाँ पर जो है एक भाई यहाँ पे काम करता था पहले, वो सिंधी है सारे भाई, माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं भाई हैं। काम चल रहा था यानी कि गटर लाइन बन रही थी ये नीचे की गाइस, ये पूरा रोड खुदाई किया गया था, पूरा खुदाई करके और गाइस इन्होंने तब ये काम चल रहा था, खुदाई बहुत गहराई से की थी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो वेलकम है आप सब बहन भाइयों का इस खूबसूरत से प्यारे से व्लॉग में। तो गाइस आज आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ, बहुत अच्छी और ज़बरदस्त वीडियो लेकर आया हूँ, वीडियो को शुरू से एंड तक देखना है। तो गाइस हमारे घर के साथ ही बिल्कुल जो है माशाल्लाह इन्होंने सोलर का सिस्टम लगवा लिया, बहुत अच्छा किया हुआ है। ये देखें अभी पहले नहीं था, जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको तो पता है, मेरे पुराने जो है व्यूवर्स हैं उनको पता है, मेरी वीडियो देखते रहते हैं तो उनको पता है ना कि पहले ये सोलर नहीं लगा हुआ था, अब जो है न्यू सोलर सिस्टम लग चुका है। तो ये देखें कितना इन्होंने नीचे भी बनाया हुआ है ये वाला मजबूती के साथ, ये पूरा सोलर लग गया है। तो गाइज पहले इस आपको दूसरी साइड से चल के दिखाता हूँ, क्योंकि एक साइड से जो है सोलर पूरा लग गया था, उसके बाद जो है इनको जो है प्लेटें काम पड़ गई थी, क्योंकि कोई लोडिंग का मसला होगा या क्या है, तो इन्होंने फिर दोबारा से जो है कुछ प्लेटें इसके साथ जो है अटैच, वो है इस साइड से लेकर गाइज इस साइड से, पहले ये पूरी थी इस साइड पर। तो अब जो है गाइज इन्होंने यहाँ से भी लगा दी, ये भी सोलर लग गया, अब सीढ़ी जहाँ से लगी हुई है ये ऊपर चढ़ के जो है प्लेटें वगैरह धो सकते हैं। तो गाइज ये इन्होंने बहुत मेरे देखने में बहुत अच्छा किया हुआ है, तो हमने भी डिसीज़न लिया कि हम भी जो है घर में यही सोलर का सिस्टम लगा लें। तो गाइज आपका क्या राय है, तो आपने आप ही मशवरा दें ना, ताकि हमें भी जो है पता चले कि कितने कमेंट्स मेरे बहन भाइयों के आते हैं, जो कि हमें बताते हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हैं लगवाएं सोलर, तो उसके बारे में आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट्स करना है, हमें बताना है कि हम लगवा लें या नहीं लगवाएं। क्योंकि हमारा जो है बिल पहले 3000 तक आता था, अब जो है 15000 पे आ रहा है। तो गाइज हमारे पास जो है दो पंखे हैं, दिन को तो चलता नहीं है कोई, थोड़ा बहुत चला लेते हैं, नहीं तो फिर हमारे पास छोटी सी प्लेट है उसके ऊपर जो है पंखा चलता रहता है। तो दूसरी बात यह है कि बल्ब हमारे पास 3-4 हैं, लेकिन चलते सिर्फ और सिर्फ दिन को तो चलता नहीं, आपको तो पता है दिन में कम चलते हैं, तो थोड़ा बहुत चला लें तो कोई काम के लिए, नहीं तो अक्सर बंद ही रहता है। और रात को जो है 2.5-3 घंटे एक बल्ब है वो चलता है, उसके बाद जो है खाना वगैरह खाया, थोड़ी देर बैठा, तो उसके बाद जो है बल्ब को भी बंद कर दिया, 2.5-3 घंटे वो चलता है। और मोटर है पानी वाली, बस इसके अलावा कुछ नहीं है, ना फ्रिज है, और इस्त्री वगैरह है तो वो हम जो है घर में इस्तेमाल नहीं करते, यानी कि महीने में 1-2 बार इस्तेमाल हो जाती है, यानी कि 1-2 बार कपड़े जो है इस्त्री कर लिए कहीं जाना हो तो। अक्सर जो है गांव में ऐसे ही जो है कपड़े चलते हैं और इस्त्री वगैरह नहीं करते, तो ये ज़्यादा यानी कि हमारा जो है काम है ही नहीं कोई, या लाइटें चलती रहे, पंखे चलते रहें, तो उनकी वजह से बिल ज़्यादा आता है। तो ये सिस्टम हमारे घर में है ही नहीं, कम इस्तेमाल करते हैं बिजली को, तो इसकी वजह से जो है बिजली फिर भी जो है बिल जो है ज़्यादा आए, तो उसकी वजह से जो है हम लोग सोलर लगवा रहे हैं, ताकि जो है इसकी जो है परेशानी ख़त्म हो जाए। तो ये भी बार खर्चा करने वाले हैं, तो गाइस आपने ज़रूर बताना है कि हम डिसीजन कैसा लिया। तो आप गाइस आप सोचें कि आप पी धोए कि बिजली इस्तेमाल करते हैं, आप तो जानते हैं ना कि किस तरह से जो है महंगी बिजली आ रही है और कितना कितने बिल ज़्यादा आ रहे हैं, तो इससे जो है डिसीज़न आपने सही लिया या गलत लिया है गाइज, आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। हमने कहा है कि हम घर में लगवाते हैं सोलर, जो कि घर में लगवाएंगे तो बिजली की जो है और ज़्यादा बढ़ बढ़ के बिल आ रहा है, जैसे 15000 आया, फिर 20000 आया, इससे जो है बढ़ रहा है, तो हमने ये डिसीज़न लिया। तो गाइज आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, तो
अक्सर जो है घर में जो है सोलर लग चुके हैं गाइस। मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे जो है ये सारे सोलर लगे हुए हैं, ये देखें। अब देखें अमीर लोग भी जो हैं सोलर लगा रहे हैं, आखिर इतनी महंगाई में जो है बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं तो उन्होंने भी सोलर लगवा दिया। ये तो पहले के लगे हुए थे ये वाले गाइस, ये पहले का सोलर लगा हुआ था, ये भी पहले का लगा हुआ था। तो इधर जो है ये सामने नज़र आ रहा है कवे परिंदे बैठे हुए हैं, ये अभी लगा है, उधर भी एक अभी लगा है। तो गाइस हर इंसान जो है सोलर लगवा रहा है, इस साइड पे जो है वो भी सोलर यानी कि लग रहे हैं और भी लग रहे हैं और लग भी गए हैं। और जो है जहाँ मेरे बड़े भाई काम करते हैं उनके घर में भी सोलर लगवाया गया है। तो ये ही तो है जो इस साइड पे देखें, ये देखें सारी प्लेटें बिछी हुई हैं छतों पे, छत पे देखें प्लेटें बिछी हुई हैं, ये देखें ये सारी प्लेटें नज़र आ रही, सोलर ही सोलर नज़र आ रहा है। तो ये देखें वहाँ मार्केट पे ऊपर बिल्डिंग के ऊपर देखें, यहाँ पे भी जो है इन्होंने सोलर लगाया हुआ है, यानी कि बिजली को जो है महंगी आ रही है और जो है बिल ज़्यादा आ रहे हैं, तो इसकी वजह से जो है इन्होंने लगा लिए सोलर। तो हमने भी यही सोचा कि हम भी लगवा लें घर में, क्योंकि बिजली के बिल जो है ज़्यादा आ रहे हैं इसीलिए लगवा रहे हैं। तो आपने ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में क्या हमारी जो है डिसीज़न जो ली है हमने भाई ने और जो है ये सही है या क्या है, ये कमेंट्स में ज़रूर। गाइस ये जब सोलर ये लगा था पीछे जो हमारे घर वाले के साथ में सोलर लगा था, तब मेरे पास टाइम नहीं था, जी नहीं तो मैं आपके साथ ब्लॉग शेयर करता। इन्होंने जो है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से जो है इनकी जो है फ्रेम जो होते हैं ना नीचे के, वो जो है बहुत मुश्किल से इन्होंने छत पे लगाया, क्योंकि यहाँ से आना बहुत मुश्किल है। ये साथ वालों के घर से जो है ये सामने नज़र आ रहे हैं, ये साथ वाले घर से जो है इन्होंने गाड़ी उनके गेट खोल के उनके घर में गाड़ी खड़ी कर दी और पीछे बैक्स वाली साइड पे उन्होंने सामान सारा ऊपर लाया है। लेकिन जो है इन्होंने प्लेटें जो ऊपर लगाई है ना सोलर में, तो इनकी मुझे ये मैंने नहीं देखा ये प्लेटें किस तरीके से लेकर आए, ये मैंने नहीं देखा। लेकिन वो मैंने देखा वो इसको ऊपर लगा रहे थे, जैसे ये नीचे फ्रेम है ना ये पाइप वगैरह ये सब के सब जो है वहाँ पीछे की साइड से लेकर आए, क्योंकि यहाँ से नहीं आ सकते थे। हमारे जो है हमारे भी यहाँ मुश्किल है, यहाँ स्लोप बना हुआ है इस तरह का, तो यहाँ पे हमारे भी लेकर आने बहुत मुश्किल है। तो गाइस इंशाल्लाह जो है हम भी लगवाएंगे, और अभी चाहता हूँ इजाज़त ब्लॉग का करते हैं एंड। और मैं काफ़ी दिन से ये ब्लॉग बनाने वाला था, मैंने कहा बनाता हूँ अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करता हूँ कि हमारे घर के साथ ही जो है माशाल्लाह उन्होंने भी सोलर लगवा दिया। तो मैंने कहा अपने गाइस अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करते हैं और हम भी घर में लगवा रहे हैं, तो मैंने कहा अपने व्यूवर से ये ज़रूर शेयर करें ताकि हर भी लोग हर जगह जहाँ घूमने फिरने जाते हैं आपके साथ शेयर करते हैं। इस तरह की बातें भी शेयर करनी चाहिए, क्योंकि एक फैमिली की तरह है आप, यूट्यूब फैमिली आप फैमिली की तरह है, तो इससे जो है हम आपसे मशवरा लेना चाहिए कि आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं, आप मशवरा अच्छा दे रहे हैं या किस तरह का दे रहे हैं, हमें भी पता चले कि हमने मशवरा सही लिया है गलत लिया है, और ये आपसे पूछना चाहिए ना। तो गाइस अभी चलते हैं अंदर, ये मेरा कमरा है, कमरे में चलता हूँ। और जो है कब्बे जो है इधर देखे, कब्बा जो है आके बैठ गया, क्योंकि मैं खाना वगैरह खाता हूँ तो जो है रोटी खाता हूँ तो उसके साथ जो है हड्डी वगैरह थोड़ी बहुत बहुत भी होती है, तो वो जो है मैं कब्बों को डाल देता हूँ। कब्बों को लेने के लिए जा रहा हूँ अंदर से, क्योंकि मैंने अभी खाना खाया था तो उसकी वजह से जो है ये मैंने रख दिया था, अभी जो है कब्बों को डाल देता हूँ तो कबे जो है फौरन से आ जाएंगे। ये पहले से बैठा हुआ है इंतज़ार में, ये देखें तो ये डाल दिया तो ये आके कबे ने ले लिया, अभी काफ़ी सारे कबे आ जाएंगे, बस कबों को पता चल जाए कि बगर भाई ने डाल दिया हमारे लिए चिकन, तो बस एक बार पता चल जाए बस गाइस फिर स्पीड से आते कबे। तो गाइस मेरा तो यह कमरा इसी तरह का ही है, ना कोई दरवाज़ा ना कुछ, जैसे ये वॉशरूम है वॉशरूम भी एक ही तरह का है। कपड़े भाई आपके आपके भाई के कपड़े ऐसे पड़े हुए हैं, कपड़े अभी तक धोए नहीं हैं, आपका भाई जो है ऐसे ही बस
कपड़े रखता रहता है, धोता ही नहीं है। जब इतवार का इतवार धोता हूँ, इतवार को जब टाइम मिलता है, एक इतवार तो मेरी छुट्टी होती है, दूसरे इतवार जो है मैं इधर ही होता हूँ, तो इतवार वाले दिन जो है काम वगैरह जो है कम होता है, उसकी वजह से जो है कपड़े वगैरह धो लेता हूँ। इस इतवार को मैंने नहीं धोए थे, उसकी वजह से जो है मेहमान आए थे, मेहमानों की वजह से काम थोड़ा बढ़ गया था, तो इसीलिए जो है कपड़े नहीं धोए थे, कपड़े कुछ ज़्यादा हो गए थे, कपड़े वगैरह उतार देता हूँ तो फिर धोने के लिए यही है। प्रदेश में तो जो है कपड़े धोने पड़ते हैं और सब कुछ करना पड़ता है, घर में तो जो है माँ बाप जो है माँ है सिस्टर हैं कपड़े धो देती हैं, भाभी है तो धो देती हैं, यहाँ पे जो है प्रदेश में खुद अपने हाथ से धोने पड़ते हैं कपड़े। तो पहले जो है जहाँ से आया था कराची, तो तब भी ऐसा ऐसा जो है कपड़े खुद को धोने पड़े। माँ तो कहती है, आज भी कहती है कि कपड़े बेटा मैं धो कर दूँ। मैंने कहा प्रदेश में बैठे हुए यहाँ से कैसे धो कर दूँ। माँ तो फिर माँ है ना, माँ है, बहने हैं, भाभी हैं, क्या बात है। यही तो बात है ना कि माँ आज भी कहती है कि बेटा के कपड़े धोता होगा तो बहुत मुश्किल से। प्रदेश में सब कुछ छोड़ना पड़ता है, अपनी फैमिली को छोड़ना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन आपका भाई है कोई उदास कुछ भी नहीं है, आपका भाई एक इजीली इंसान है, सिंपल इंसान है, ना कोई टेंशन ना कोई परेशानी, ना परेशानी दिल पे रखता है, अल्हम्दुलिल्लाह हंसता और मुस्कुराता रहता है, और ना ही किसी व्लॉग में आपका भाई परेशान होता है। आप तो व्लॉग देखते हैं ना मेरे, जो रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको पता है कि आपका भाई जो है हर वक्त मुस्कुराता रहता है, अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेकर आता है। जिस तरह से जो है नीचे का आपके साथ व्यू शेयर करता जाऊँ, तो नीचे का ये है व्यू, तो गाइस ये नीचे जो है भाई लोग हैं, यहाँ पर जो है एक भाई यहाँ पे काम करता था पहले, वो सिंधी हैं सारे भाई, माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं भाई हैं, बहुत इखलाक है इनके अंदर, और सिंधियों के सिंधी भाई लोगों के साथ भी जारी रखनी था, ये बहुत अच्छे दोस्त होते हैं माशाल्लाह। तो इन ये आए हुए हैं मेरे ख्याल से तकरीबन 1.5 साल की पहले की बात है, एक भाई गया हुआ था यहाँ से जो है, तब ये जो है गटर लाइन का काम चल रहा था, यानी कि गटर लाइन बन रही थी ये नीचे की गाइस, ये पूरा रोड खुदाई किया गया था, पूरा खुदाई करके, और गाइस इन्होंने तब ये काम चल रहा था, खुदाई बहुत गहराई से की हुई थी। वो मेरा चैनल बंद हो गया, यूट्यूब ने रिमूव कर दिया, फिर नहीं तो मैं आपके साथ वो भी व्लॉग शेयर करता। तो वो जो है काम तब चल रहा था, उनके साथ भी व्लॉग बनाए थे, बहुत अच्छे अच्छे बनाए थे, तब काम चल रहा था। तो तब ये भाई यहाँ पे काम करता था, ये छोड़ के भाई चला गया। आज मुलाकात हुई है क्योंकि मैं थोड़ा बाहर निकला तो गाड़ी आई बच्चों की, जो बच्चों को स्कूल से छोड़ने के लिए आती है ना, हमारे पास गाड़ी है, वैन है, उन पर जो है गाड़ी पर छोड़ने आते हैं बच्चों को। तो बच्चों को जो है मैं लेने गया तो बाहर से, तो भाई खड़ा हुआ था, मैंने मिला और मैंने भाई को कहा कि ठीक है दुआ सलाम की मिले। उसके बाद बच्चों को अंदर ले आया, तो भाई कहता है कि फिर इंशाल्लाह जो है फिर कभी टाइम निकाल के गपशप करेंगे। मैंने कहा ओके, क्योंकि काम में मसरूफ़ था इसीलिए जो है भाई के साथ दुआ सलाम की, और माशाल्लाह भाई के साथ आपका व्लॉग इंशाल्लाह आपको वो भी दिखाऊंगा, भाई के साथ एक व्लॉग बनाऊँगा उस भाई के साथ और व्लॉग शेयर करूँगा इंशाल्लाह, और भाई के साथ डिटेल से पूछूँगा कि भाई जो है यानी कि चले गए थे, यानी कि यहाँ से कराची छोड़ के चले गए, किस वजह से छोड़ गए और क्योंकि वहाँ पे क्या करते रह रहे, ये सारी बातें उस भाई से पूछेंगे। वो इस व्लॉग में नहीं, जो व्लॉग बनाएंगे अभी या 2-3 दिन में भी आ सकता है, 5 दिन में भी आ सकता है, जब भी व्लॉग आएगा तो अपने बहन भाइयों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा, उस भाई के साथ भी मुलाकात करवाऊँगा जो भाई यानी कि 1.5 साल बाद फिर कराची में आए। तो ये भी नहीं पता कि कराची में फ़ोन पर रबता नहीं होता था क्योंकि व्हाट्सअप उनके पास पहले भाई के पास मोबाइल नहीं था, अब शायद होगा, तो ये भी नहीं पता था कि कराची में काम कर रहे हैं, गांव चले गए हैं, ये क्या, तो ये नहीं पता था। ये तो फिर व्लॉग बनाएंगे, भाई से मिलेंगे, अच्छा सा कोई टाइम निकालेंगे। अक्सर मेरे पास टाइम इतवार को होता है, जैसे कि फ्री टाइम जो होता है इस वक्त भी होता है 4:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक आपके भाई के पास टाइम होता है, लेकिन आपका भाई ऊपर होता है छत पर, लेकिन जो है कम मैं बाहर निकलता हूँ, बाहर बैठता भी कम हूँ, बाहर यानी कि अच्छा नहीं लगता ना, अपना जो है अंदर काम वगैरह किया तो रेस्ट किया। तो चलते हैं गाइस इस ब्लॉग का एंड करते हैं, और आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है कि सोलर का हमने क्या डिसीज़न लिया, भाई ने
कि हम लगवा लें या नहीं लगवाएं, तो ये गाइस आपने ज़रूर बताना हमारा डिसीजन किस तरह का है। तो चलते हैं व्लॉग का करते एंड और एक मिलते हैं न्यू व्लॉग के साथ, ब्रांड व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, अल्लाह हाफिज़।